मैगी पकाने की चुनौती, मैगी नूडल्स कुकिंग चैलेंज। एक गांव में चंदूलाल नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। चंदूलाल बहुत अमीर था। उस गांव में उसकी बहुत इज्जत और प्रतिष्ठा थी, इसलिए चंदूलाल गांव में बहुत प्रसिद्ध था। उसके चिंटू और पिंटू नाम के दो जुड़वा बेटे थे। वह अपने जुड़वा बेटे के खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। चिंटू और पिंटू अपने बर्थडे इस बार कुछ अलग तरीके से मनाने की बात सोच रहे थे। इस बात को लेकर वो दोनों अपने पापा चंदूलाल के पास गए और कहने लगे, पापा पापा, हम दोनों सोच रहे हैं हमारी इस बर्थडे कुछ अलग तरीके से मनाए जाए। क्यों ना हम बर्थडे के दिन मैगी नूडल्स चैलेंज प्रतियोगिता आयोजन करें। हम सोच रहे हैं 1000 मैगी नूडल्स बनाए और जो सबसे ज्यादा नूडल कम समय में खा सकता है उसे इनाम दे। हम सोच रहे हैं बची हुए मैगी नूडल गरीबों में बांट दे। इस तरह बर्थडे के दिन समाज सेवा भी हो जाएगा, लोगों को फ्री में खाने को भी मिलेगा। यह तो बहुत अच्छी बात है चिंटू और पिंटू। बर्थडे में मैगी नूडल्स बनाकर वह गरीबों में बांट देने के बाद तो बहुत नेक सोच है। बर्थडे भी पास आ रहा है, चलो अभी बाजार जाकर नूडल चैलेंज के लिए इंतजाम करते हैं। यह कहकर वो तीनों उस गांव के फेमस मैगी नूडल बनाने ठेले वाले भैया के पास गए। ठेले वाले भैया चंदूलाल और उसकी बेटे को अपनी ठेले की तरफ आते हुए देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, चंदूलाल साहब, आप चिंटू और पिंटू यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ काम था क्या? अरे भैया, चिंटू और पिंटू की बर्थडे भी पास आ रही है। इस बार चिंटू और पिंटू बर्थडे कुछ अलग तरीके से मनाने की सोच रहे हैं। वो मैगी नूडल कुकिंग चैलेंज आयोजना करना चाहते हैं। इस तरह मेरे बेटे चिंटू और पिंटू फ्री में खाना खिलाना चाहते हैं। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। चिंटू और पिंटू हर बार गांव में अनोखी काम करते ही रहते हैं। आप ही बोलो मैं इस काम में कैसे मदद कर सकता हूँ। तुम हमारे गांव के सबसे फेमस मैगी नूडल बनाने वाले व्यक्ति हो। बर्थडे की दिन क्या तुम 1000 मैगी नूडल एक ही बार में बना सकते हो? जितना भी खर्चा आएगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास अभी तो 1000 मैगी नूडल स्टॉक में नहीं है। मैं आज ही 1000 मैगी नूडल मंगाता हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो 1000 मैगी नूडल भी एक ही बार में बना सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर पकाने के बर्तन बड़ी होने चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तुम नूडल पकाने की बड़ी बर्तन का फिकर मत करो, मेरे घर में बहुत सारे बड़ी कढ़ाई पड़ी है, उसका इंतजाम मैं करूंगा। और एक बात, तुम्हारे इस ठेले पे जो भी नूडल खाने आते हैं उसे 1000 मैगी नूडल्स चैलेंज के बारे में बता देना। जो भी कम समय में ज्यादा नूडल खा सकता है उसे 1,000,000 धन राशि का इनाम भी है। ये कहकर चंदूलाल और उसकी बेटे अपनी घर वापस लौटते हैं। वो ही गांव में रमेश नाम का एक आदमी भी रहता था। उसे मैगी नूडल बहुत पसंद था। वो टेम्पो चलाने का काम करता था। वो हर रोज टेम्पो चलाकर मैगी नूडल खाता था। रमेश मैगी नूडल खाने का इतना बड़ा शौकीन था कि वो एक ही बार में कम समय में भी बहुत ज्यादा नूडल खा सकता था। रमेश के पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे ना होने के कारण बहुत परेशान था। एक दिन रमेश रोज की तरह टेम्पो चलाने के बाद मैगी नूडल खाने को चला गया। रमेश को कुछ दिन से परेशान देखकर मैगी नूडल बनाने ठेले वाले भैया पूछने लगे, अरे रमेश, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हो गया भाई, क्या टेंशन हो गया? ये सुनकर रमेश बोला,
तुम्हें क्या बताऊं यार, कुछ दिन से मेरे पत्नी बीमार है। बहुत पैसा की आवश्यकता है, पर पत्नी की इलाज के लिए पैसा कहीं से भी मिल नहीं रही है। इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अरे रमेश, मुझे तो तुम्हारे पत्नी बीमार होने की बात पता ही नहीं था। पर टेंशन मत लो मेरे यार, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। कल ही हमारे गांव के बड़े व्यापारी चंदूलाल मेरे ठेले पे आए थे। कुछ दिन बाद उनके बेटे चिंटू और पिंटू के बर्थडे के शुभ दिन पर मैगी नूडल्स चैलेंज प्रतियोगिता आयोजन करी है। उसमें जो कम समय में ज्यादा नूडल खाएगा उसे 10 लाख धन राशि का इनाम रखी है। ऐसे भी तुम नूडल खाने के बहुत माहिर हो, ये प्रतियोगिता तो तुम ही जीतोगे। इस पैसे से अपनी पत्नी का इलाज करना। भैया, तुमने तो यह बात कहकर मेरा परेशानी दूर कर दी। अगर ये मैगी नूडल चैलेंज जीत गया तो मैं आराम से अपनी पत्नी की अच्छे से इलाज कर पाता। कुछ दिन बाद चिंटू और पिंटू के बर्थडे भी आ जाती है। मैगी नूडल चैलेंज देखने और खाने के लिए गांव से बहुत सारे लोग आते हैं। रमेश भी अपनी टेम्पो लेकर चैलेंज में भाग लेने के लिए आ जाता है। ठेले वाले भैया बड़ी सी कराई आग में लगाते हैं। चंदूलाल और उनके बेटे चिंटू पिंटू भी ये सब देखते हैं। बड़ी से कराई पर ठेले वाले भैया 1000 मैगी नूडल डालकर मजे से पकाने लगते हैं। इतना ज्यादा मैगी नूडल एक बार में पकते हुए देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैगी नूडल पकाने के बाद ठेले वाले भैया उसे प्लेट में डालते हैं। रमेश के साथ और लोग मैगी नूडल चैलेंज के लिए लाइन में खड़े होते हैं। रमेश नूडल खाने लगता है। रमेश एक के बाद एक प्लेट में दिए हुए नूडल्स जल्दी जल्दी खाने लगता है। उसे जितना भी प्लेट में नूडल दिया सारे के सारे उसने खा लेता है। इस तरह 10 मिनट में वो 10 प्लेट नूडल खा लेता है। ये देख कर सब हैरान हो जाते हैं। लाइन में खड़े हुए लोग भी एक एक कर कोशिश करते हैं। चैलेंज में आए हुए कोई भी रमेश जितना खा नहीं पाया। इस तरह 10 मिनट में 10 प्लेट नूडल खाकर रमेश चैलेंज जीत जाता है। चैलेंज जीतने के बाद चंदूलाल रमेश को इनाम में 10 लाख पैसे देता है। पैसे पाकर रमेश बहुत खुश होता है। इस तरह चंदूलाल और उनके बेटे नूडल चैलेंज आयोजना करके मनाते हैं। रमेश चैलेंज जीत के पाए हुआ 10 लाख पैसे से पत्नी की इलाज करता है और खुशी खुशी रहता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही और भी मजेदार कहानियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।